नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो टेक्निकल इंडिकेटर है, उसके बारे में। पर मैं इसमें आपको वो सब बातें नहीं बताऊँगा जो इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, जो बातें आपको मालूम है। मैं आपको सात ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई RSI के बारे में, या जिन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप RSI इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये सात बातें जाननी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको सिर्फ वही बातें मालूम है जो बाकी सब लोगों को मालूम है, जो बाकी निवेशकों को मालूम है, तो उसमें आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे जैसे हमें सिंपल सा एक रूल बताया जाता है RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में, कि जब ये आपका जो लाइन है ये 70 को क्रॉस कर जाए तो उस समय वो स्टॉक जो है वो ओवरबॉट लेवल पे है, आप इस समय उस स्टॉक को सेल कर दीजिए। अगर वो 30 से नीचे आ जाए तो स्टॉक ओवरसोल्ड लेवल पे है, उस समय आप उसको बाय कर लीजिए। तो दोस्तों, काश ट्रेडिंग इतनी आसान होती और इतनी सिंपल होती तो जो भी निवेशक हैं स्टॉक मार्केट में आज के डेट में सब लोग करोड़पति या अरबपति होते। तो जैसे ही कोई स्टॉक 70 से ऊपर जाता सब लोग उस स्टॉक को बेच देते, और जैसे ही वो 30 के नीचे आता सब लोग उसको ख़रीद लेते। तो ये सिंपल सा रूल फॉलो करके सब लोग करोड़पति बन जाते। पर ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, इन्वेस्टमेंट इतनी आसान नहीं है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना है तो आपको कुछ ऐसी बातें मालूम होनी चाहिए जो बाकियों को नहीं मालूम, जो बाकी निवेशकों को नहीं मालूम, तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर जो बातें आपको मालूम है वही सबको मालूम है, या जो सबको मालूम है वही आपको मालूम है, तो आप स्टॉक मार्केट में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप पैसा नहीं कमा सकते। तो मुझे अपनी वीडियो के ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट मिली थी कि आप RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता जिसके अंदर मैं आपको वही बातें बताऊँ जो आपको मालूम है। तो और कोई भी अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें, आप उसको स्टैंड अलोन बेसिस पे उसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप ट्रेड करें या जब भी आप निवेश करें आपको दो या तीन इंडिकेटर एक साथ देखने पड़ते हैं, और उन दोनों को एक साथ कैसे देखना है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा मैं आपको अपने दूसरे वीडियोस में भी जो स्ट्रेटजीज़ बता चुका हूँ, वहाँ पे मैंने हमेशा दो या दो से ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर मैं आपको ऐसी बातें बताऊँ जो शायद आपको ना मालूम हो। सकता है इनमें से कुछ बातें आप में से कुछ दर्शकों को मालूम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% दर्शकों को इनमें से कोई भी बात शायद मालूम नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास काफ़ी नॉलेज होगी RSI के बारे में, और आप एक बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकेंगे, आप बेहतर तरीके से निवेश कर सकेंगे, और आप बेहतर तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो टेक्निकल इंडिकेटर है, उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। तो ये जो सारी बातें हैं ये मैं आपको चार्ट्स की सहायता से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ITC के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ ITC का चार्ट देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल सा चार्ट है। इसके अंदर ये वाइट कलर की लाइन जो है स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, तो इसके नीचे मैंने ये RSI का टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस समय इसकी जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, 14 दिन का पीरियड है, और 70 और 30 जो नॉर्मली ट्रेडर्स या निवेशक यूज़ करते हैं सेटिंग्स, ये वही सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे 70 30 और 80 20 के बीच में क्या डिफरेंस है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी सेटिंग यूज़ करेंगे तो उसके पीछे कारण क्या है वो शायद आपको नहीं बताया जाता। तो दोस्तों, उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, अगर आप 70 30 की सेटिंग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग पिछले 3 महीने के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 ओवरबॉट जोन हैं, और लगभग 1 2 3 4 और 5 या 6 लगभग आपके ओवरसोल्ड जोन हैं। तो अगर आप 70-30 की सेटिंग करते हैं तो उसके अंदर आपके 5 या 6 लगभग ओवरबॉट और 5 या 6 लगभग आपके ओवरसोल्ड जोन हैं। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को चेंज कर देते हैं, इसको 80-20 कर देते हैं, तो अगर ये 80-20 की सेटिंग होती है तो अब आपके ये जो नंबर ऑफ ओवरबॉट जोन है वो सिर्फ 2 या 3 रह गए हैं, और ओवरसोल्ड जोन अब आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव निवेशक हैं तो आप इसकी सेटिंग 80-20 रखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के कम सिग्नल मिलेंगे।
कम सिग्नल, अब आप सोचेंगे कि फिर मेरे को तो नुकसान है, मुझे कोई ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, निवेश की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। तो जो 80-20 की सेटिंग होती है वो एक कंजर्वेटिव निवेशक के लिए होती है, जिनको बिल्कुल कंफर्म एक ट्रेंड चाहिए, एक बिल्कुल पक्का पता होना चाहिए कि हाँ ये अब ट्रेंड जो है ये चेंज हो गया है और मैं अब RSI का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो देखिए कैसे उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, उसके अंदर आपके जो फॉल्स सिग्नल हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं अगर आप 80-20 की सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले 3 महीने में कहीं पर भी ITC का स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में नहीं आया अगर आप 80-20 की सेटिंग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बार इसने लगभग इसको टच करने की कोशिश करी, तो उससे आपके जो फॉल्स सिग्नल हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं और आप उसके अंदर एक काफ़ी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसकी सेटिंग फिर से 70-30 कर दें, तो उस केस में हो सकता है आपको कई जो है फॉल सिग्नल मिलें और आपको उसके अंदर ज़्यादा मुनाफा होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये ओवरसोल्ड जोन में था और फिर दोबारा इस पॉइंट के ऊपर वो ओवरसोल्ड में आया पर ये ओवरबॉट में गया ही नहीं, तो अब यहाँ पे आप कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि इस चार्ट के बेसिस के ऊपर कि अब आपको क्या निर्णय लेना है। लेकिन अगर आप 80-20 वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो बेहतर यही है कि अगर आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा, बेहतर है उस स्टॉक में आप निवेश ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको उसकी दिशा का मालूम ना हो। तो हम इस स्टॉक में भी देख सकते हैं कि जो हम अब बात कर रहे हैं जिस बारे में, ये स्टॉक एक काफ़ी लंबे समय तक, मतलब आप इस पॉइंट से लेके यहाँ तक देखिए, ये लगभग आपका जो पीरियड है ये 1 महीने से ज़्यादा का पीरियड है, 1.5 महीने के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे ये साइडवे मूवमेंट में था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था इस स्टॉक में। और वो आपका अगर आप 80-20 की सेटिंग लेते हैं तो वो आपकी सेटिंग से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे कोई आपका ऐसा ट्रेड नहीं है। अगर आप जैसे अभी इस समय 70-30 की सेटिंग है, तो अगर आप इस सेटिंग के बेसिस के ऊपर निवेश करते तो आप यहाँ पे हो सकता है जब ये ओवरसोल्ड था तो इस समय इसका प्राइस लगभग 306.5 के आसपास था, लेकिन ये जब ओवरबॉट हुआ तब उसका प्राइस ओवरसोल्ड से कम था, और दोबारा जब यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हुआ तब इसका प्राइस 300 के आसपास था। तो ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल है और इससे आपको 70-30 की सेटिंग में जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल मिलते हैं। और ये जो है ये 70-30 की सेटिंग नॉर्मली जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं या जो सीजन ट्रेडर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और अगर रिटेल निवेशक को किसी सेटिंग का इस्तेमाल करना है तो वो 80-20 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर 80-20 में मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करूँगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 1700 स्टॉक्स हैं, उनमें से मैं कोई और स्टॉक देख लूँगा, लेकिन मैं अपना नुकसान नहीं उठाना चाहता मार्केट में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी स्टॉक से प्रेम मत करिए, आप टेक्निकल इंडिकेटर पे ज़्यादा विश्वास रखिए, और टेक्निकल इंडिकेटर जो आपको सिग्नल दे रहा है और वो सेटिंग कंजर्वेटिव रखिए। अगर आप कंजर्वेटिव सेटिंग रखेंगे तो आपके जो फेक या फॉल्स सिग्नल हैं वो कम हो जाएंगे, अगर वो कम हो जाएंगे तो आपका निवेश जो है वो बिल्कुल एक सही होगा। तो जैसे अगर मेरे को आपको एग्जांपल देना है कि कैसे आप सही निर्णय ले सकते हैं 80-20 की सेटिंग करके, तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक आपको ओवरबॉट दिखा रहा है और इस समय ये पीक पे था 343 रुपये के आसपास। ये स्टॉक कुछ समय पहले मेरी होल्डिंग में भी था, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 308 पे मैंने ख़रीदा था और ये लगभग 345 के आसपास मैंने बेच दिया था। तो जब मैंने ये RSI में देखा कि ये ओवरबॉट हो चुका है तो यहाँ पे मैंने इसको लगभग इस पॉइंट के ऊपर बेच दिया था। अब उसके बाद आप देखिए ये नीचे आना शुरू हो गया, तो जब ये RSI आपका इस पॉइंट के ऊपर 32 के आसपास था तो स्टॉक का प्राइस लगभग 14-15 रुपये करेक्ट हो चुका था। तो उससे क्या हुआ कि मैंने अपना जो मुनाफा है उसको प्रोटेक्ट कर लिया एक कंजर्वेटिव निवेशक होने के नाते। तो एज ए कंजर्वेटिव निवेशक मैं इसमें 80-20 की सेटिंग प्रेफर करता हूँ, और जो है अगर आप बहुत एग्रेसिव निवेशक हैं, ट्रेडर हैं, तो आप 70-30 की सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे कारण था, दोनों सेटिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है तो वो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया कि 70-30 में आपको ज़्यादा ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल मिलेंगे, 80-20 में आपको कम ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड सिग्नल मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको जो भी सिग्नल मिलेंगे वो लगभग कन्फर्म होंगे 80-20 की सेटिंग में, उसमें आपके फॉल्स या फेक सिग्नल नहीं होंगे।
अब दोस्तों दूसरी एक सबसे बड़ी जो भ्रांति होती है RSI के बारे में कि अगर वो ओवरबॉट से ओवरसोल्ड आया तो प्राइस नीचे जाएगा, ओवरसोल्ड से ओवरबॉट गया तो प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो RSI है वो ओवरसोल्ड से ओवरबॉट हो गया, लेकिन आपका स्टॉक प्राइस दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम है। अब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये सत्य है। तो ये मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब ये स्टॉक आपका ओवर जो है सोल्ड उसमें चला गया, टेरिटरी में चला गया, तो उस समय आपका जो स्टॉक का प्राइस था लगभग 171 रुपये के आसपास था जब ये आपका ओवरसोल्ड कैटेगरी में गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कुछ दिनों बाद ये ओवरबॉट में आया, तो जब ये ओवरबॉट में आया तो भी स्टॉक का प्राइस 171 रुपये के आसपास था जहाँ पे, जिस पॉइंट पे इसने ओवरबॉट में एंट्री ली। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक आप इस चीज़ को इस दिमाग में से निकाल दीजिए, इस भ्रांति को या इस भ्रम को कि अगर स्टॉक ओवरबॉट से ओवरसोल्ड में आता है तो उसमें प्राइस मूवमेंट होगा नीचे की तरफ। प्राइस मूवमेंट हुआ इस दौरान जब ये ट्रेडिंग रेंज में था, प्राइस मूवमेंट हुआ। लेकिन अगर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो इस बेसिस पे है कि जब ओवरसोल्ड होगा या ओवरबॉट होगा तभी आप कोई एक्शन लेंगे, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो ओवरसोल्ड के पॉइंट के ऊपर जो प्राइस था वही प्राइस आपका ओवरबॉट पॉइंट के ऊपर भी हो और दोनों का प्राइस सेम हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक रियल एग्जांपल के साथ दिखाया। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब उसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ। उसके पीछे कारण ये होता है, जो स्टॉक आपका एक अप ट्रेंड में हो, स्ट्रांग अप शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में हो, मैं लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में हो, तो उस स्टॉक में ऐसा नॉर्मली देखा गया है। उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक आपका स्ट्रांग डाउनवर्ड ट्रेंड में हो तो वहाँ पे भी ऐसा सिनेरियो देखा जा सकता है कि जहाँ पे आपका स्टॉक का प्राइस सेम रहे जब वो ओवरबॉट कैटेगरी में था और जब वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में मूव हुआ। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप RSI के बेसिस के ऊपर, अगर आप ओवरसोल्ड जब ये था, अगर आपने उस समय इसको बाय किया, तो आप जब ये ओवरबॉट हुआ होगा और आपने देखा कि ये तो प्राइस सेम है, मुझे तो कोई मुनाफा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे RSI जो है वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है इस सिनेरियो में। लेकिन अब वो हर इंडिकेटर का अपना अपना एक वो होता है, जो फीचर होता है, या अपना अपना एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है, और उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। तो ऐसा बहुत संभव है, ऐसा बिल्कुल संभव है कि, और दूसरा एक और चीज़ संभव है कि आपका जो दो ओवरसोल्ड जो जोन्स के अंदर आपका प्राइस बहुत ड्रास्टिकली नीचे हो। तो जैसे यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पे स्टॉक ओवरसोल्ड था, प्राइस था 163 रुपये, लेकिन ये जब लगभग 1 या 2 दिनों में दोबारा ओवरसोल्ड हुआ तब आपका प्राइस था 153 रुपये। तो लगभग इस छोटे से पीरियड के अंदर वो जब दोबारा ओवरसोल्ड में है, इसको डबल बॉटम भी कहते हैं, तब इसके प्राइस में 10 रुपये कम हो गए। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या आप अगर इसमें निवेश कर रहे हैं तो इन ओवरबॉट या ओवरसोल्ड टेरिटरीज़ के बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल 100% रिलाई नहीं कर सकते, ये कई बार मिसलीडिंग भी होती हैं। अब दोस्तों एक तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में मूव करे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में प्राइस इंक्रीज़ करने के लिए। इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। इसका रिवर्स मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है और अगर वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कैटेगरी को टच नहीं करता तो वो उसके बिना भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको अरविंदा फार्मा का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ ये देखिए, ये स्टॉक जो है इस समय आपका लगभग 670 रुपये के आसपास था। इस पीरियड के दौरान यहाँ पे RSI में वो कहीं पे भी आपको ओवर जो है बॉट कैटेगरी में नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने जो है 80 और 20 वाला रूल फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखा रहा, लेकिन ये स्टॉक की मूवमेंट अब ऊपर जा रही है। जब ये ओवरबॉट हुआ उस समय इसका प्राइस था 705, तो लगभग 670 से 705, ये 35 रुपये की जो मूवमेंट थी स्टॉक में, जो कि एक अच्छी खासी मूवमेंट है,
उसके दौरान वो ना ओवरसोल्ड में गया ना ओवरबॉट में गया। तो ऐसी जो एक एक नॉर्मली माना जाता है कि भाई अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ तभी करेगा जब वो ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में जाएगा, ऐसा सत्य नहीं है। वो काफ़ी लंबे समय तक भी एक उस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करता रहेगा और उसके बावजूद वो बढ़ता रहेगा या गिरता रहेगा। तो जैसे गिरने का अगर मुझे एग्जांपल देना है तो यहाँ पे आप देखिए कि लगभग इस पॉइंट के ऊपर 686 था और उसके बाद ये बिल्कुल भी ओवरसोल्ड कैटेगरी में नहीं आया और ये यहीं पे ट्रेड करता रहा, ट्रेड करता रहा। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये 670 था, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक 686 से 670 लगभग 16-17 रुपये की मूवमेंट होगी, पर इसने कहीं पे भी RSI में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंट्री नहीं करी। तो ये जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशंस होती हैं कई बार अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, कि आप इस सिचुएशन में क्या करें। आपको समझ नहीं आता कि स्टॉक किधर जा रहा है और RSI भी आपको कोई ऐसा सही बताता नहीं किस दिशा में जा रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्टॉक किस दिशा में जा रहा है। किसी पॉइंट पे आपको लगेगा नीचे जा रहा है, किसी पॉइंट पे लगेगा ऊपर जा रहा है। तो ये जो इस तरह की जो साइडवे मूवमेंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इस पीरियड के दौरान अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है एक साइडवे ट्रेंड में था और ये कहीं भी नहीं जा रहा था। तो नॉर्मली मैंने आपको जैसे अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया कि इस पीरियड के दौरान आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। जब तक स्टॉक ट्रेंड में ना हो तब तक आपको सारे सिग्नल्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं मिलेंगे टेक्निकल इंडिकेटर से। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप उस पीरियड के दौरान निवेश ना करें तो बेहतर रहेगा। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि लगभग ये जो पीरियड था जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पीरियड के दौरान ये स्टॉक साइडवे में था। यहाँ पे लगभग प्राइस जो आपका देखेंगे 656 के आसपास, तो यहाँ पे आपका 672 के आसपास है। तो लगभग 15-16 रुपये के गैप के ऊपर ये प्राइस आपका लगभग आप 2 हफ्ते तक ट्रेड करता रहा। तो और RSI भी ने भी आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया। तो जो 2 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था वो 2 पॉइंट्स की समरी ये है कि एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर जो ये मतलब अब 80 और 20 के बीच की जो रेंज है इसको हम ट्रेडिंग रेंज भी कह सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज के अंदर स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बिना किसी टेरिटरी को टच किए हुए। अब दोस्तों यहाँ चौथा पॉइंट ये है, उसका एग्जांपल मैं आपको एक आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका मेरे पास अभी रियल टाइम कोई एग्जांपल नहीं है। तो ये पॉइंट ये है कि आपका RSI जो है 100 या 0 को भी टच कर सकता है। अब वो आपको यहाँ पे क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो आपका ये चार्ट्स हैं ये कंप्लीटेड चार्ट्स हैं और इसके अंदर कंप्लीटेड जो कैंडल अगर आप देखते हैं तो कंप्लीटेड कैंडल्स के ऊपर हैं ये चार्ट। लेकिन जब आप रियल टाइम देखेंगे तो आपको कई बार ऐसा दिखेगा कि RSI 100 पे टच कर गया या 0 पे टच कर गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो थंब रूल होता है कि 80 को क्रॉस कर ले या 70 को क्रॉस कर ले तो आप सेल कर दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद भी, उसको क्रॉस करने के बाद भी वो स्टॉक रनअप कर सकता है। तो दोस्तों पाँचवा पॉइंट ये है कि जो आपका पीरियड होता है RSI का, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 14 दिन की होती है। पर जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपके चार्ट की सेटिंग्स जो हैं आपके निवेश के होराइज़न के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये 14 दिन की सेटिंग बिल्कुल ठीक है अगर आपके निवेश का होराइज़न लगभग 6 महीने से 1 साल है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे जो है 8 दिन की, 7 दिन की या 9 दिन जो हैं वो ये भी काफ़ी कॉमन सेटिंग्स हैं। तो 7, 8, 9 या 10 दिन की सेटिंग्स भी यूज़ होती हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे 8 दिन की सेटिंग यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए। अब 8 दिन की सेटिंग यूज़ करने से एडवांटेज क्या होती है, जैसे मैंने आपको वो बताया 70-30 और 80-20 वाले में, तो आप अगर इंट्राडे हैं तो यहाँ पे आप ने जैसे सेटिंग चेंज कर दी 8 दिन की और ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को आप चेंज कर दीजिए 70-30 पे। तो देखिए दोस्तों अब आपको यहाँ काफ़ी सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस तरह की सेटिंग्स आप कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा सिग्नल मिले। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ये ओवर बॉट हो गया, इस समय आपका ITC का प्राइस 312 रुपये था, जब ये ओवर सोल्ड हुआ तब इसका प्राइस 305 रुपये था। तो आपको ये जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको दिख रही हैं, तो ये आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर
टैप कर सकते हैं। तो जैसा हमने शुरू में देखा था कि जब हमने 14 दिन की सेटिंग रखी थी और 80-20 या 70-30 में आपका जो डिफरेंस था, 70-30 में लगभग 5-6 ओवर बॉट जोन थे और 5-6 ओवर सोल्ड जोन थे, पर अब यहाँ पे जब हमने सेटिंग इसकी 8 दिन की कर दी और आपका जो ये पीरियड है 70-30 कर दिया, तो आप यहाँ 3 महीने में देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लगभग आपको 3 महीने में 18 ओवरबॉट जोन मिले हैं और उतने ही लगभग आपके ओवरसोल्ड जोन हैं। तो 3 महीने में लगभग 18 अपॉर्चुनिटीज़ बोल सकते हैं कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे अवेलेबल थी, अगर आपने ये RSI की सेटिंग में जो थोड़ा सा चेंज किया। तो ये सारा खेल सेटिंग का है दोस्तों, जो चार्ट की सेटिंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और यहाँ पे आप 14 दिन का अगर कर रहे हैं RSI के अंदर पीरियड ले रहे हैं, तो आपको, अगर आप बहुत कंजर्वेटिव निवेशक हैं, आप कर सकते हैं जैसा मैंने आपको शुरू में कहा। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ आप कंजर्वेटिव निवेशक नहीं हैं, आप रिस्क टेकिंग निवेशक हैं। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको अपनी सेटिंग्स ठीक करनी पड़ेंगी, सारी सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी अपने चार्ट में, ताकि आपको सही सिग्नल मिल सके। तो दोस्तों ये था 5वें नंबर का पॉइंट। अब 6ठे नंबर का पॉइंट है कि जब आपका ये जो स्टॉक है ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर होता है, मतलब ये आपको जैसे मैंने औरबिंदो फार्मा का एग्जांपल दिया, ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उस समय कोई भी ट्रेड नहीं होता किसी, अगर आप इसको इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब ये स्टॉक 70-30 या 80-20 के बीच में मूव कर रहा होता है, उस समय मैं अपनी लर्निंग बता रहा हूँ कि मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता उस स्टॉक के अंदर। मैं तभी ट्रेड लेता हूँ जब ये या तो ओवरबॉट में चला जाता है या ओवरसोल्ड में चला जाता है। और जैसा कि मैंने अपने स्टॉक ट्रेंड वाले वीडियो में भी कहा था कि आप पोजीशन उसी हिसाब से लें जिस ट्रेंड में स्टॉक मूव कर रहा है। तो ये जो चार्ट को देखने का तरीका है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ क्योंकि RSI के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब हम इसको एक दो इंडिकेटर्स के साथ देखेंगे तो उन वीडियोज़ में आपको मैं साफ तरीके से बता सकूँगा कि RSI सिर्फ एक, उसमें एक वन ऑफ द इंडिकेटर है, उसके बेसिस पे आपको ये एक अलग स्टैंड अलोन निर्णय नहीं ले सकते। चूंकि हम यहाँ सिर्फ RSI की बात कर रहे हैं तो मैं RSI के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, पर जब हम इस RSI को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ जोड़ के देखेंगे तब आप इस पॉइंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों 7वां और आखिरी पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि जब भी आप RSI के बेसिस के ऊपर ट्रेड करें, आप जब वो एंटर करता है ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में, उसी समय आप अपना ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना नीचे जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका RSI जो है वो 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये जो मूवमेंट होता है जब वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में मूव कर रहा होता है, 4-4, 5-5 रुपये का मूवमेंट हो जाता है स्टॉक में, ये पीरियड काफ़ी लंबा खिंचता है। जैसे आप यहाँ ओवरबॉट में देख सकते हैं कि इसने जब एंटर किया तब उस समय ये आपका 319 रुपये था, और जब इसने एग्ज़िट किया तब ये 342 रुपये था। तो एक काफ़ी लंबे समय तक ये ओवरबॉट कैटेगरी में ट्रेड करता रहा। उसी तरीके से कई बार स्टॉक जो है वो काफ़ी लंबे समय तक ओवरसोल्ड कैटेगरी में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में ट्रेड करता रहा। जब इसने एंट्री करी इस जोन में, इसका प्राइस 302 रुपये था, और जब इसने एग्ज़िट मारी तब उस समय 300 रुपये था, 2 या 3 रुपये की मूवमेंट हुई यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हर स्टॉक के ऊपर अलग अलग डिपेंडेंट होता है ये जो प्राइस मूवमेंट है, लेकिन मैंने काफ़ी स्टॉक्स में देखा है कि इसमें काफ़ी वो देर तक उसमें ट्रेड करता रहता है। तो यहाँ पे जैसे इसने 309 रुपये पे ओवरसोल्ड कैटेगरी में एंट्री ली और 305 रुपये पे एग्ज़िट की, तो यहाँ पे लगभग 4 रुपये की मूवमेंट हो गई और ये स्टॉक ओवरसोल्ड में ही मूव करता रहा, और उस समय आपको मालूम नहीं होता कि आप क्या ट्रेड करें। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको 7वें नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप कोई भी स्टॉक तब खरीदें जब ये ट्रेडिंग जोन में एंटर करें। तो जैसे ओवरसोल्ड में था ये, तो आप अभी वेट करिए, जब ये ओवरसोल्ड में है उस समय आप वेट करिए, ओवरसोल्ड में एंटर करते ही इसके अंदर आप ट्रेड मत करिए। जब ये यहाँ 20 को क्रॉस करता है आप उस समय ट्रेड करिए, और अगर आप उस समय ट्रेड करेंगे तो वो सबसे बेहतर पॉइंट होता है ट्रेड करने का।
तो जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसने जब ओवर सोल्ड कैटेगरी से बाहर निकलना शुरू किया, 20 को क्रॉस किया, उस समय इसका प्राइस था 299 रुपये, और जब ये ओवर बॉट में एंट्री करी इसने, उस समय आपका प्राइस था 302 या 3 रुपये के आसपास। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो उसमें आपके नुकसान नहीं होगा और आपका ज़रूर मुनाफा होगा, और नॉर्मली आप एग्ज़िट तभी करें जब ये वापस ओवर बॉट से ट्रेडिंग जोन में आए। तो अगर आपने यही स्ट्रेटेजी यहाँ अपनाई होती तो जैसे यहाँ इसने ओवर सोल्ड में जब एग्ज़िट किया, उस समय प्राइस था 299, और जब इसने ओवर बॉट से एग्ज़िट किया तब आपका प्राइस था 308 रुपये। तो लगभग आपने 8 या 9 रुपये की जो मूवमेंट है वो कैप्चर कर ली। और उसी तरीके से जब आप सेल करें तो आप सेल तब करें जब ये ओवर बॉट से ट्रेडिंग जोन में आ जाए। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जब इसने ओवर बॉट जोन से एग्ज़िट ली, अगर आपने उस समय एंटर किया होता, सेल किया होता, तो उस समय इसका प्राइस था 313 रुपये, और जब आप ये ओवरसोल्ड से इसने एग्ज़िट की, उस समय आपने इसको जो है जब यहाँ पे आपने बेचा और यहाँ पे आपने ख़रीदा, तो आपने इसको ख़रीदा होता 309 रुपये पे, तो आपने देखा कि हाँ आपने 4 रुपये की जो प्राइस पॉइंट है वो कैप्चर कर ली, 4 रुपये आपका मुनाफा हो गया। तो समरी ये है कि आप ख़रीदे तब जब ये ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा होता है, जब ये 20 का पॉइंट क्रॉस करता है, और आप उसको बेचे तब जब ये ओवर बॉट से ट्रेडिंग जोन में आ रहा होता है, मतलब ये जब 80 की लाइन को क्रॉस कर रहा होता है। उसी तरीके से आप जब यहाँ एग्ज़िट कर रहे हैं तो आप इसको सेल कब करें, जब ये ओवर बॉट से ट्रेडिंग जोन में आ रहा है तब सेल करें, और बाय कब करें जब ये ओवर सोल्ड से ट्रेडिंग जोन में आ रहा है, मतलब ये 20 को दोबारा क्रॉस कर रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी मुनाफा होगा और आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। पर इस स्ट्रेटेजी को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके से जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैंने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग हो सकती है, और ये किसी भी तरीके से कोई सजेशन, रिकमेंडेशंस या सलाह नहीं है बाय करने की, सेल करने की या होल्ड करने की। अगर आप कोई भी निवेश करें तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, और उनकी सलाह के ऊपर ही किसी तरह का निवेश का निर्णय करें। यदि इस वीडियो को देख के आप किसी भी तरह का निवेश करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उसके वित्तीय या गैर वित्तीय प्रभाव का मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होंगे। आप इस वीडियो के शुरू में दिखाए गए डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।